ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि आज के समय में अगर आपको कामयाब होना है, अच्छा जीवन जीना है, तो आपको ऑनलाइन पैसा कमाना चाहिए। और ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए बस थोड़ा सा आपके अंदर दिमाग हो और एक मोबाइल फोन हो, बस दो चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, सच में कमाना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, फिर आप कम से कम 2000 रुपये रोज कमाएंगे। अगर ना मिले आप तो मुझे बता देना, मुझसे ले जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फोकट में आपको कोई पैसे देने वाला हूँ। इस वीडियो में जो काम मैं आपको बताऊंगा वो काम आपको करना भी पड़ेगा। अगर उतना काम आप करते हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपये मिलेगा ही, बाकी आपके मेहनत के ऊपर है। जितना आप मेहनत या काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है SP सिंह और आप देख रहे हैं SPR लैब लर्निंग। मैं इस चैनल के साथ पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं और पिछले 8 साल में मैंने लाखों लोगों को ऑनलाइन काम करना सिखाया है, जिसमें से बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी धन्यवाद दिया है। और लाखों लोग इस चैनल के साथ जुड़कर भी काम करते हैं जिस तरीके से मैं करता हूं। ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए कोई पहाड़ उखाड़ना नहीं पड़ता है, मैंने आपको पहले ही बताया। आपके पास बस थोड़ा सा दिमाग हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है, बस उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और एक आपके पास स्मार्टफोन हो, मोबाइल फोन हो, जिससे आप काम कर सकें। अब लोग कहते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन इनकम नहीं मिलती, तो मेहनत करने का काम से कोई लेना देना नहीं है। मेहनत काम करने के लिए की जाती है, अब काम हुआ है कि नहीं इस बात से इनकम होती है। अब एक सुबह सुबह मेरा एक दोस्त आया और मुझसे बोला भाई कुछ खाने पीने को दो, फटाफट में बड़ी मेहनत करके आया हूँ 3 घंटे। सुबह 4 बजे का वो घर से निकला और मेरे पास 7 बजे आया। मैंने कि भाई सुबह सुबह ऐसी कौन सी मेहनत करके आ गया, बोला मैं जिम से आ रहा हूँ। यानी 3 घंटे उसने जिम सेंटर में मेहनत की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई काम किया है। मेहनत से ये परिणाम नहीं निकलता कि उसका फल आपको मिलेगा या उससे कोई काम होगा। मेहनत काम करने के लिए की जाती है, अब जो काम आपने किया है उससे आपको इनकम होती है। तभी तो काम और कामयाबी एक ही शब्द से शुरू होते हैं, का से। यानी अगर आप काम करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े राजमार्ग, बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं जो चलाई जाती हैं, उनके आगे नाम लिखा रहता है कि ये काम मोदी ने कराया, ये काम योगी ने कराया, ये काम फलानी सरकार ने कराया। तो क्या उन लोगों ने इस काम को कराने में कोई मेहनत की? नहीं, मेहनत तो मजदूर व्यक्ति करता है। मजदूर का काम है मेहनत करना और 2 वक्त की रोटी खाना। मजदूर के लिए सिर्फ इतनी चीज़ें बताई है, उससे ज़्यादा वो न तो ज़्यादा सोचता है और न उसे सोचने के लिए उसके पास कुछ है जिससे वो सोचे। अगर वो कल की डेट में मजदूर ये सोचे कि मैं आज तो साहब लंदन की सैर करने जाऊँगा, तो इस लायक है ही नहीं, क्योंकि वो कमाता ही 500 रुपये है और लंदन जाने के लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए कम से कम, और 5 लाख रुपए कभी इकट्ठे होंगे नहीं, तो वो कभी ऐसी बात सोचेगा ही नहीं। मजदूर का मतलब होता है जो डेली बेसिस पर लोग जो काम करते हैं, 1500 रुपए रोज कमाते हैं, उनका जीवन का मकसद सिर्फ एक ही है कि बस रोजाना काम करना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, अपने बीवी बच्चों का पेट भरना है और जिंदगी को गुजारना है। उनका टारगेट केवल इतना ही होता है। लेकिन जिन लोगों को अपने जीवन में कामयाब होना होता है, ऐसो आराम की जिंदगी जीनी होती है, अपना नाम करना होता है, ऐसे लोग अपना एक टारगेट बना के चलते हैं कि मुझे साहब इतना काम करना है, अपने जीवन में 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए कमाना है। एक मजदूर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपये नहीं कमा सकता, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले नहीं कमा सकता। लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिस व्यक्ति के परिवार में 5 लोग हों, उनका अच्छे से लालन पालन पोषण हो जाए, उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि उसके जितने भी इमरजेंसी के काम होते हैं वो कर्ज से चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था ऑनलाइन काम करने की। तो जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपना दिमाग सेट कर लें कि आपको ऑनलाइन काम करना ही है। पूरी जानकारी मैं आपको दे ही रहा हूँ तो कैसे कैसे आपको काम करना है। सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए, जगह जगह मत डोलिए वैश्याओं की तरह कि रोज नया कसम करते घूम रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति को गुरु बनाइए और उसी की बात को फॉलो कीजिए,
चाहे वो सही बताए या गलत। दूसरे लोगों की बात फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग अलग होता है और हर व्यक्ति के बताने का तरीका भी अलग होता है। हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो बातें हैं उनसे सहमत नहीं होगा। इसीलिए आप जिसके साथ काम करने चाहते हैं उसी की बातों को फॉलो करें, वो जो बता रहा है वही काम करें। अदरवाइज आप जगह जगह घूमेंगे तो अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। अगर आपको अपने पूरे जीवन में 10 करोड़ रुपए ही कमाना है, उससे ज्यादा आप नहीं कमाना चाहते, तो आपको दिन का कम से कम 10,000 रुपए कमाना होगा। यानी अगर आप 10,000 रुपए रोज कमाते हैं, आपकी एवरेज इनकम 10,000 रुपए रोज की है, तो आप अपने पूरे जीवन में 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे। अब एवरेज इनकम से मतलब है कि हर व्यक्ति रोज तो 10,000 नहीं कमा सकता, तो किसी दिन आप 5,000 भी कमाएंगे, 2,000 भी कमाएंगे, किसी दिन कमाएंगे नहीं, किसी दिन 15,000 कमाएंगे, किसी दिन 20,000 कमाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एक एवरेज इनकम 10,000 रुपए डेली निकल कर आती है। तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 10,000 दिन ही काम करता है तो उसके पूरे जीवन की इनकम हो जाएगी 10 करोड़ रुपए। और 10 करोड़ रुपए में अपने 5 लोगों का परिवार, 2 मियां बीवी और 3 बच्चे, या फिर 2 माँ बाप, 2 मियां बीवी और 1 बच्चे के साथ 5 लोगों का परिवार बनता है। यानी एक फैमिली की ये कैलकुलेशन है, तो वो अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकता है। उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा, अच्छा मकान होगा, अच्छी फैसिलिटी के साथ वो रह सकता है। लेकिन अगर आपकी रोजाना की इनकम 500, 1000, 2000 रुपए है या 2000 से भी कम है, तो आप मेरी बात यकीन मानिए कि आप अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पा रहे होंगे, आप अपने मनपसंद चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे होंगे, आपके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं होगा। हो सकता है आपके माँ बाप का हो, उसमें आप रहते हों, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी कमाई का नहीं होगा। और जब तक आपकी कमाई की चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप अपने आप को सफल व्यक्ति नहीं मान सकते हैं। व्यक्ति और जानवर में यही फर्क होता है कि व्यक्ति अपना दिमाग चला के कामयाबी हासिल करता है और जानवर हमेशा दूसरों के कंट्रोल में रहता है। जिन लोगों को समझ में आया होगा वो समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। जिनको नहीं आया मैं बता दूं, अगर आपको इंसानों की तरह जीना है तो आपको अपना काम स्वतंत्र रूप से करना होगा। आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग जारी मजबूरी नौकरी करते हैं, ये सभी जानवरों की तरह होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दूसरे लोगों का कंट्रोल होता है। उनके अनुशासन के अंदर ही इन्हें काम करना होता है। अगर ये नौकरी करने वाले लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे तो इनका जो मालिक होता है, बॉस होता है, उनके पिछवाड़े में लात मार के भगा भी देता है। तो हमेशा इंसान बनिए और अपना काम स्वतंत्र रूप से कीजिए। स्वतंत्र रूप से काम करने में आते हैं मैक्सिमम जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस वाले होते हैं। जैसे हमारा ये काम है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मन है वीडियो बनाने का, इसीलिए बना रहा हूँ। अगर मेरा मन नहीं होगा तो मैं वीडियो ना बनाऊँ, आज क्या 1 महीने तक ना बनाऊँ। लेकिन जो काम मैं पिछले 8 साल से कर चुका हूँ, उसका मुझे डेली इनकम आता ही आता है। तो ये एक एज ए फ्रीलांसर फ्री का काम है, और हर व्यक्ति को काम तो करना ही है, चाहे किसी की गुलामी में रह के करें या अपना स्वतंत्र काम करें। तो जो लोग भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले यूट्यूब से ही शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन YouTube से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं है कि आज आप अपना चैनल बना लें और उस पर शुरुआत करें और पैसे कमा लेंगे तुरंत, तो ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, वो इंटरनेट ऑनलाइन के एक्सपर्ट हैं, वीडियो बनाने के एक्सपर्ट हैं, वीडियो एडिट करने के भी एक्सपर्ट हैं, और भी उन्हें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं, ऐसे लोग तो अपना चैनल जल्दी मोनेटाइज करवा पाते हैं। लेकिन जो नए लोग मोबाइल में चैनल बना लेते हैं, ऐसे लोग कभी YouTube से पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि उनका चैनल ही 2-3 साल में मोनेटाइज नहीं हो पाता है, और कोई भी व्यक्ति 2-3 साल तक फ्री में काम नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि YouTube पर तो बिल्कुल फ्री में काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चैनल को कम से कम भी खर्चे में मैनेज करेंगे तो मिनिमम आपके 10,000 रुपये महीने खर्च होंगे ही होंगे, तब जाकर आपका चैनल अच्छे से मैनेज हो पाएगा। और अकेला व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है। हमारे साथ इस चैनल के साथ बहुत लोगों की टीम लगी हुई है, लेकिन आपको दिखते वही लोग हैं जो वीडियो में दिखाई देते हैं। बाकी के जो लोग, कैमरा वाला है वो कैमरा चला रहा है सामने, एक ऑडियो वाला है कि आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, आवाज़ में कोई डिस्टॉर्शन है, पंखे की आवाज़ आ रही है, एसी की आवाज़ आ रही है तो उसको भी वो निकालता है, उसमें कभी म्यूजिक वगैरह लगाने की आवश्यकता होती है तो उसको भी लगाता है,
दूसरा वीडियो एडिटर है जो वीडियो एडिट करके चैनल पर डालता है, फिर चैनल को अपलोड करने वाले अलग लोग हैं, दूसरा कमेंटों का जवाब देने वाले अलग लोग हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी टीम बनती है। तो ऑनलाइन में काम सभी के सहयोग से जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है और हमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है उसकी अपेक्षा कि एक व्यक्ति काम करे। तो मेरा बहुत लोगों से पहले से ही निवेदन रहा है कि हम सब लोग इस संस्था के साथ काम कर सकते हैं जिसके साथ मैं कर रहा हूँ। जितनी अधिकार मेरा है इस संस्था में काम करने का उतना आपका भी है। जितना पैसा मैं इससे कमाता हूँ उससे ज़्यादा आप भी कमा सकते हैं। ऐसे कई लोग हमारी इस संस्था के साथ काम करते हैं जो मेरे से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा काम करते हैं, उनकी क्वालिटी है वो। मेरे अंदर जितनी क्वालिटी है मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन ये है कि अलग अलग काम करने की जगह हम सब लोग मिलके एक साथ काम करेंगे तो मेहनत कम लगेगी और पैसा ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि एकता में शक्ति होती है, अकेला चना भार नहीं फूंकता है। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लें, जिससे क्या है कि इस चैनल पर पढ़ने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद आपको इस चैनल की वीडियो देखकर सीखना भी है कि आपको काम कैसे करना है। गरीब लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो सीखना पसंद नहीं करते, वो डायरेक्ट अपने आप को 30 बार खां की औलाद समझते हैं कि मैं तो इस काम को सीधा ही कर लूँगा, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपको किसी परीक्षा में पास होना है तो आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तो एक ही दिन पढ़ूंगा और उसी दिन परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो आप पास होने वाले नहीं हैं, फेल हो जाएंगे। वही काम का है कि जब आप अपने काम को लगन के साथ सही तरीके से सीखते नहीं हैं तो फिर उस काम को अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और जब अच्छे से काम नहीं हो पाता है तो फिर उसे इनकम नहीं होती है, और फिर लोग वही चिल्लाते हैं कि सर मैंने मेहनत तो बहुत किया था लेकिन उस तरीके से पैसा नहीं मिला। हमारे साथ भी कई लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं काम करने वाले, तो लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2000 रुपये रोज से भी कम मिलता है। तो वो कहेंगे सर मुझे तो 2000 से कम मिलता है, मुझे तो 1500 रुपये ही रोज मिल पा रहा है, मुझे तो 500 रुपये ही रोज मिल पा रहा है, सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ। तो अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत से आपका काम भी होना चाहिए, केवल मेहनत करने से कुछ नहीं होता। जो मेहनत जिस काम के लिए की जा रही है क्या वो काम हो रहा है या नहीं, आपको सिंपल सा मैं बता दूं। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं और आपको ये लगता है कि आप काम करते हैं, अगर आप काम करते होंगे तो आपको पैसा अच्छा मिल रहा होगा, और अगर काम आप नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपको पैसा भी नहीं मिल रहा होगा। तो आप इसे एक शब्द में समझ सकते हैं कि मान के चलो आप 500 रुपये रोज कमा रहे हैं तो आप 500 रुपये रोज का ही काम करते हैं, 2000 रुपये का नहीं करते। जिस दिन आप 2000 रुपये का काम करेंगे, 10000 का काम करेंगे, उस दिन 2000 भी मिलेगा, 10000 भी मिलेगा। तो जितना आप काम करते हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी जेब से देने वाला है या आप किसी को अपनी जेब से देने वाले हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की मेहनत करता है, अपने अपने हिस्से से काम करता है। अब सवाल आता है कि ऑनलाइन में काम करना क्या है। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं पिछले 10-12 मिनट से, तो मैं जो काम कर रहा हूँ यही काम है ऑनलाइन। अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, इसमें और कुछ विशेष जोड़ना नहीं है। अब इस काम को करने के लिए आपको इस संस्था के साथ जुड़ना पड़ेगा, अगर आपको इस संस्था के साथ काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो कुर्रम खां हूँ और मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और उसी से लाखों रुपए महीने कमाऊंगा या करोड़ों रुपए कमाऊंगा, तो आप अपना बना सकते हैं, उसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। या फिर आप मेरी बात मानेंगे क्यों, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, वो तो आपकी इच्छा की बात है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल के काम करेंगे तो मेहनत कम लगेगी और पैसा सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा कमाएंगे, इसीलिए हम लोगों को मिलके काम करना चाहिए। और मिलके काम करने के लिए आप यकीन मानिए, आप डेली का कम से कम 10 मिनट काम कीजिए, और 10 मिनट का जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है उस तरीके से कम एक वीडियो बनाकर आपको रोज़ाना इस चैनल को भेजना है। इस चैनल की मेल आई डी spllearning@gmail.com पर बस इतना सा काम है। वीडियो में 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी आवाज़ क्लियर हो, आपकी जो इमेज क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छी हो, आपकी शक्ल सूरत अच्छे से आ रही हो, कहीं चेहरा न कट रहा हो या फिर कुछ और ना हो रहा हो, पीछे आपकी बैकग्राउंड में कोई उल्टी सीधी चीज़ दिखाई न दे रही हो। तो थोड़ा सा दिमाग बस इसी चीज़ के लिए लगाना है।
और वीडियो का टाइटल आपको सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा लिखना है। जो आप नीचे जैसे टाइटल को देखकर आपने जैसे क्लिक किया है, नीचे जो लाइन लिखी हुई है इस वीडियो के अंदर, उसी को वीडियो का टाइटल बोलते हैं। वीडियो का नाम यानी वीडियो फाइल का जो नाम होता है उसी को टाइटल बोलते हैं। तो पहले शुरू में आप भेजेंगे इस मेल आईडी पर तो आप बहुत सी गलतियां करेंगे और उन गलतियों को एसपीएल टीम एक सेकंड में सुधार भी सकती है, लेकिन एसपीएल टीम ऐसा करेगी नहीं। अगर आप कोई गलती करके वीडियो में भेजेंगे तो एसपीएल टीम आपको केवल बताएगी कि इसको सही कीजिए और फिर आपको वीडियो सही करके दोबारा भेजनी पड़ेगी, तभी अपलोड होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका काम आपको ही करना है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। इस चैनल के साथ काम करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जो splcash.com पर होता है। ये रजिस्ट्रेशन फ्री है और जीवन भर चलता है और इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए अपने splcash वॉलेट में 800 रुपये जमा करने होते हैं। और ये कितने दिन तक आपके पैसे जमा रहेंगे? जब तक आप 2000 रुपये का काम नहीं कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुद तो आप अपना टाइम पास कर ही रहे हैं, एसपीएल टीम का भी टाइम पास करेंगे, फिर आप संस्था का भी टाइम पास करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई व्यक्ति इस संस्था के साथ जुड़े जो टाइम पास करने के लिए जुड़े, और टाइम पास लोगों से हमें कोई लाभ नहीं है। ये कोई MLM कंपनी नहीं है कि आप जुड़ते जाएंगे और आपको पैसा मिल जाएगा, यहाँ तो काम करना पड़ेगा। और 800 रुपये जैसे आप 2000 रुपये का काम कर लेंगे तो 2000 रुपये आपके काम के भी और 800 रुपये जो आपने अपने वॉलेट में जमा किए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, और फिर आपका जो भी काम होगा हर महीने उसका पैसा आपको मंथली मिलता रहेगा। आपकी जो वीडियो बनाने का काम है इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने जो पिछले महीनों में काम किया होगा उसका भी पैसा जीवन भर मिलता रहेगा, यानी हर महीने जितनी भी आपकी वीडियो चलेंगी उनका पैसा आएगा। तो मान के चलो पिछले महीने में आपने 10,000 की वीडियो बनाई तो वो मिल गया, दूसरे महीने में फिर से आपने 10,000 की वीडियो बनाई और 5,000 रुपये पिछले महीने की वीडियो से कमा तो दूसरे महीने में 15,000 रुपये मिलेगा। अब ऐसे तीसरे महीने में 10,000 रुपये की फिर से आपने वीडियो बनाई और पिछले महीने के 2-2, 5-5,000 रुपये की वीडियो चल गई तो तीसरे महीने में 20,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ इनकम जल्दी बढ़ जाती है और जो लोग अच्छे से काम करते हैं उनके 6 महीने के अंदर जो मंथली इनकम है वो 1,00,000 या उससे ऊपर निकल जाती है। और जो लोग काम नहीं करते तो ऐसे लोग तो 6 महीने के या 6 जन्म ले लें तब भी उनको पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फ्री में पैसा नहीं मिलता है। इसमें आप वीडियो तो बना ही सकते हैं, जिन लोगों को वीडियो बनाना नहीं आता वो लोग ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं, यानी केवल लिख सकते हैं। वेबसाइट पर संस्था के 24 यूट्यूब चैनल हैं और 12 वेबसाइट हैं, सभी के सभी मोनेटाइज हैं, पहले दिन से ही आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों ने splcash में रजिस्ट्रेशन किया है वो लोग वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। ये काम आपको डेली करना है, डेली ना करें तो महीने में कम से कम 15-20 दिन तो करें ही करें, जिससे आपकी महीने की इनकम 30-40-50 या 60,000 रुपये बन सके। क्योंकि 2000 रुपये रोज से कम आप कमाएंगे तो फिर आपको अच्छा आनंद नहीं आएगा और आपके घर के खर्चे भी अच्छे से नहीं चल पाएंगे। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि सर ना तो मैं वीडियो बना सकता हूँ और ना ब्लॉग पोस्ट लिख सकता हूँ। उन लोगों के लिए हमारी इस संस्था में SPL स्टडी एक वेबसाइट है जो एजुकेशनल वेबसाइट है, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपये एनुअल है, यानी 1 साल का खर्चा 200 रुपये आएगा। इसमें आपको वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और अन्य लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और इससे भी आप 50-60,000 रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता फिर भी मैं इस संस्था में जुड़ना चाहता हूँ, तो उनके लिए हमारी संस्था के एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसे हम SPL पार्टनर प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें क्या है कि पूरे महीने में संस्था का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से पार्टनर्स को दिया जाता है, लेकिन इसमें पार्टनर्स को भी 100 रुपये महीने खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ टाइम पास मैंने पहले ही बता दिया, जिसकी जेब से पैसा नहीं लगा है वो व्यक्ति टाइम पास करता है और हम टाइम पास लोगों को पसंद नहीं करते, इसीलिए हमने हर रजिस्ट्रेशन पर फीस रखी हुई है। जिसको ज़रूरत होगी वही रजिस्ट्रेशन करेगा, फालतू लोग इससे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। इसमें आपका 100 रुपये महीने लगता है और इसमें आपको महीने का अधिकतम 15,000 रुपये महीने तक मिल सकता है, जो संस्था का प्रॉफिट होगा उस अकॉर्डिंग। अगर और इसमें ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप इसमें कितने पुराने हैं, इसमें 2-3 महीने तो शुरू के ऐसे ही निकल जाते हैं क्योंकि जब तक व्यक्ति को पता नहीं चलता। और कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 महीने उन्हें पेमेंट नहीं मिलती तो फिर वो काम करना ही बंद कर देते हैं और अपना 100-200 रुपये का नुकसान करा लेते हैं। जो भी काम आप करें उसे लगातार कीजिए, कम से कम 6 महीने 1 साल, तब जाकर आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई हथेली पर सरसों जमा के आपको तुरंत दे देगा।
अगर कोई व्यक्ति हमारी इस संस्था के साथ काम करना चाहता है और कम से कम 2000 रुपये रोज कमाना चाहता है और दिन में 2 घंटे वो काम कर सकता है, तो तीनों ही वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें सबसे पहले और अपना अकाउंट एक्टिवेट करें। जब तक आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं होगा, आप किसी काम को सीरियस नहीं लेंगे और पूरे जीवन में आप कभी पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो थोड़ा बहुत खर्चा करना सीखिए। तो यहाँ पर 1100 रुपये में तीनों ही वेबसाइट पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तीनों ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लीजिए। फिर आप इस चैनल पर वीडियो बना के डालेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, जब आप वीडियो देखेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, जब आप वीडियो को लाइक करेंगे उसका भी मिलेगा, वीडियो को शेयर करेंगे उसका भी पैसा मिलेगा, और दूसरे लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उससे भी आपको पैसा मिलेगा, और पूरे महीने में जो संस्था का प्रॉफिट होगा उसमें से भी आपको हिस्सा मिलेगा। तो जब तीनों ही अकाउंटों से आपको हर महीने पैसा मिलेगा तो आप यकीन मानिए 50-60 हज़ार रुपये तो आप आराम से कमा सकते हैं। इस वीडियो में बताया हुआ काम सिर्फ आपको इतना करना है, सबसे पहले अपना तीनों ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। तीनों ही वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसे क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद एक एक करके इस चैनल की वीडियो देखें, SPL टेक्निकल चैनल की वीडियो देखें और SPLcash.com वेबसाइट पर जाकर ब्लॉग पोस्ट पढ़ें, जिससे आपके जो भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से काम करेंगे और दिन का 2000-3000-4000 रुपये आराम से बनाने लग जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, उनको भी आपको करने का मौका मिलेगा जब आप इन तीनों कामों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।